भारतीय सागरीय सीमा की सुरक्षा के लिए नौसेना को एक और पनडुब्बी मिल गई है। मुंबई की मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में बनी स्कॉर्पिन क्लास की चौथी पनडुब्बी वेला को मंगलवार को नौसेना को सौंप दिया गया है। करीब 1.5 वर्ष तक गहरे सागर समेत अन्य परीक्षण के बाद वेला में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। नौसेना जल्द ही इसी आधिकारिक तौर पर ड्यूटी पर तैनात करेगी। सागर में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए मुंबई के यार्ड में स्कॉर्पिन क्लास की 6 पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है। MDL कालवारी, खंडेरी, करज और वेला पनडुब्बी नौसेना को सौंपी जा चुकी है। 5वीं पनडुब्बी वागीर का 12 नवंबर 2020 को जलावतरण किया गया था। स्कॉर्पिन क्लास की पनडुब्बी भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस वेला में टॉर्पिडो और एंटी शिप मिसाइल तैनात किए गए हैं। यह पानी से पानी और पानी से किसी भी युद्धपोत को विध्वंसक करने की क्षमता रखती है। पनडुब्बी में लगी टॉर्पिडो और एंटी शिप मिसाइल पानी के भीतर से छिपकर 40 से 90 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन जहाजों को टारगेट कर सकती हैं। वेला पानी के भीतर से 45 से 52 दिन तक रह सकती हैं। इसी के साथ देश में निर्मित यह पनडुब्बी 1 घंटे में 20 नॉटिकल माइलेज की दूरी आसानी से तय कर सकती हैं। 97 मीटर लंबी, 6.2 मीटर चौड़ी और 12.3 मीटर ऊंची पनडुब्बी का कुल वजन 1550 टन है। इसमें 33 से अधिक नौसैनिक रह सकते हैं। वेला की सबसे आम खूबी बिना आवाज़ सागर में तेजी से चलने की है।